नमस्कार विंध 24 के साथ मैं श्रेया। गुड़ विधायक सुंदरलाल तिवारी ने जिले में व्याप्त पेयजल संकट और किसानों की समस्या को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। रीवा जिले में व्याप्त भीषण जल संकट को लेकर आज कांग्रेस नेता और गुड़ विधायक सुंदरलाल तिवारी ने प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस वर्ष रीवा जिले में भीषण जल संकट है। जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग 4 से 6 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि सरकार के द्वारा इस संबंध में किसी भी विभाग या एजेंसी के द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया। इसी तरह गेहूं खरीदी केंद्रों में होने वाली लापरवाहियों को भी तिवारी ने प्रमुखता से उठाया तथा व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बीजेपी के 15 सालों के विकास पर उन्होंने तंज भी कसा। मीडिया के द्वारा पूछे गए गुटबाजी के सवाल पर तिवारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। मैं खुद ही नहीं जान पाया कि मेरी क्या भूमिका है उसमें। क्या माना जाए कि ताकतें से गुटबाजी अभी भी? गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो कहना ये हल्का शब्द है। गुटबाजी क्यों होगी? गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। अब किसका था भगवान जाने। मेरा सबसे सामंजस है, असमंजस मेरा किसी से। अब दूसरा कौन नहीं शामिल लिया वो बता सकता कि क्यों नहीं शामिल हुआ। मैंने तो बता ही दिया कि मैं शामिल नहीं हुआ हूँ। आप दूसरे के बारे में नहीं कहते हैं। ये खेमे कहाँ है? कांग्रेस पार्टी है, कोई खेमा थोड़ी ना यार। खेमेबाजी नहीं होती है। काहे की गुटबंदी भाई? रहा होगा, लोग सोचते होंगे गुटबाजी। हम तो गुट के आधार पर कोई काम करते नहीं है, हम निर्गुट वाले हैं, कोई हमारा गुट नहीं है।